दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं छुंछा घाट का पानी, बहता हुआ पानी। सामने है बहुत बेहतरीन विशाल पुल, आप देख रहे हैं। सुंदरता कायम है, हरियाली हरियाली, चारों तरफ हरियाली हरियाली। आप देख रहे हैं कि पानी का स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। अब आपको नाव भी दिख रहा होगा, वहाँ पे एक लोग आ रहे हैं नाव पर, और देखिए लोग पुल से आ जा रहे हैं। और बहुत फेमस पुल है, और बहुत अब आपको हरियाली दिखाते हैं एक बार पुनः कि यहाँ पे लोग आते जाते हैं तो आपको कैसा लगता है। देखिए दोस्तों पेड़ आप देख रहे हैं, ये पेड़ बहुत पुराना है। एक पेड़ नहीं भाई, यहाँ हजारों पेड़ हैं। पुल आप देख ही रहे हैं, देखिए तो पुल आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हरियाली 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 हरियाली। और यहाँ पे आज कोई हमको दिख नहीं रहा है, कुछ लोग हमको दिखे थे ग्रामीण, कुछ दूर तक थे। आपको यही कुआं बताना चाहते थे, देखिए कुआं कुएं को ढक दिया गया है। और यह है, आपको दिखा चुके हैं सतगुरु कबीर विज्ञान आश्रम विशेषतपुर। और ये बना हुआ है धर्मशाला, लोग यहाँ आके रहते हैं और बैठते हैं, और बहुत ही रमणीय जगह है। आप देख रहे हैं कि शांति शांति है, हर जगह शांति शांति। और आपको दिखा दें कि चारों तरफ जो है जितना होता है, बहुत अच्छा जगह है, यहाँ आ सकते हैं। और आपको पुल दिखाते हैं, और आपको ये भी दिखाते हैं कि चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पीछे जो है हमारे चारों तरफ बहुत ही जगह है, लोग आते हैं। लोग कहते हैं कि कबीरदास को जानने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आश्रम कबीर कुटी लिखा गया है। तो हम आपसे विदा लेते हुए चलना चाहते हैं। आप लोग पंचदीप मौर्य ब्लॉग पर बने रहिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।